नमस्कार, मैं हूँ सोनिया तोमर। हमारे चैनल में आपका स्वागत है। आइए चलते हैं आज की खबरों की ओर। श्री सुषमणी एवं फ्लाई इन एंड आउट प्राइवेट लिमिटेड ने मनाया सांस्कृतिक कार्यक्रम। पूर्व दिल्ली के निर्माण विहार में श्री सुषमणी ग्रुप एवं फ्लाई इन एंड आउट प्राइवेट लिमिटेड ने एक सांस्कृतिक कार्यक्रम का आयोजन किया गया। कार्यक्रम में काफ़ी संख्या में लोग उपस्थित रहे। कार्यक्रम की शुरुआत सरस्वती वंदना से आयोजक डॉक्टर एस के सुराना ने की। कार्यक्रम में प्रतिभागियों ने अपनी अपनी कला द्वारा कार्यक्रम में उपस्थित लोगों का मन मोहा। बबली भारद्वाज नृत्य और राजेश्वरी चौधरी के गाए गए गाने से सबका ध्यान अपनी ओर आकर्षित किया गया। कार्यक्रम में मुख्य अतिथि आस्था माँ रही और कार्यक्रम के अंत में प्रतिभागियों, अतिथियों एवं मीडिया कर्मियों को ट्रॉफी एवं सम्मान पत्र से सम्मानित किया गया। दिल्ली से आसिफ अंसारी की न्यूज रिपोर्ट। और से आप सभी को, और मैं हमेशा एक ही बात आप लोगों से कहना चाहती हूँ कि अपने धर्म के लिए आज आप लोग जो हमारे समाज में हो रहा है आप लोग देख रहे हो, तो हमें अपने धर्म के लिए, अपने देश के लिए जागरूक होना है। हमें आने वाली जनरेशन को भी जागरूक करना है। मैं एक ही बात कहती हूँ कि उठो धरा के वीर सपूतो, उठो धरा के वीर सपूतो, माँ ने तुम्हें पुकारा है। कह दो हम हिंदू हैं और से एक
छोटी सी समाज सेविका, कहीं भी किसी के साथ भी, चाहे वो मेरी बहन हो चाहे मेरी बेटी हो, मैं पुरुषों के लिए भी काम करती हूँ। जो पुरुषों के साथ अक्सर लेडीज गलत काम करती हैं, उनके झूठा रेप केस या झूठा दहेज केस लगाकर उनके ऊपर आरोप लगाती हैं, तो उसके लिए भी और साथ में जितने भी कोई भी मेरा भाई, मेरा कोई बेटा, कोई बहन मेरी कहीं भी किसी भी विपदा में हो, तो मेरी 100% कोशिश होती है कि मैं उसको वहां से निकालूंगी। और आज तक ऐसा कभी नहीं हुआ कि मैंने किसी केस में हाथ डाला हो और मेरे बाबा ने, मेरे महाकाल ने मेरा साथ ना दिया हो। बिल्कुल उसने मेरा भरपूर साथ दिया है, क्योंकि मेरी लड़ाई जो होती है हमेशा सत्य के लिए होती है। मैं सामने वाले को बोलकर कहती हूँ कि भाई अगर आपसे गलती हो गई है या आप गुनाहगार हो तो मैं आपके लिए माफी मांगने के लिए भी सामने पार्टी से तैयार हो जाऊंगी, पर झूठ मत बोलना। तो मैं यही चाहती हूँ कि बस मेरी एक छोटी सी आप लोगों से विनती है, अरदास है, प्रार्थना है कि अगर आ सको तो किसी के काम कभी जरूर मत आना। अगर आपको लगे कि सामने वाले को आपकी जरूरत है और आप उससे मतलब झूठ सच बोल के निकल जाओ, तो इससे बड़ा पाप आपके लिए कोई नहीं होगा। भगवान ने इंसान